ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था, और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640, और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये, हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं, 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे ऐसा सोचा था सबने, और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज़ रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए हैं, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है, इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए, 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां, फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों आप ऐसे कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर, अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते, 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो है। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है, ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए। यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता, आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे? अभी मैं ड्यूटी पे तो इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? ऐसे काम करो कि हमारे देश को जरूरत नहीं तो सर सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर काम, वही तो मैंने भी किया है। लाखों रुपए कमाता था लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नर्क मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना ना खिलाने वालों की सजा है कुंभिपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है क्रीमी भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही, इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सबकी आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है, इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा,
अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। क्विक, कवर ऑल द एग्जिट्स, क्विक क्विक। मिस्टर अंबरजी। यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल मीडियम लार्ज, मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ से आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है, फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। एनी क्वेश्चंस? अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं, जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, चुप मत करो, मुझे कुछ